Yes, in this chapter, Rise of Hitler, Nazism, first of all, I have discussed with you World War, क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1914 से 1918 का जो टाइम पीरियड है वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. यहाँ से स्टार्ट होकर फिर हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मीन्स टाइम पीरियड ऑफ दिस चैप्टर इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देन इन बिटवीन, देन उसके बाद है सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी दैट वॉज डिफीटेड. From allies, allies कौन सी countries? Allies countries कौन सी? UK, Britain भी कहा जाता है, France, Russia, USA, allies, इनको allies कहा जाता है. तो Germany got defeated from allies, ठीक है, allied countries ने इनको हराया. And उसके बाद कंट्री में जो किंग थे काइजर विलियम, क्योंकि मोनार्की सिस्टम था, ही लेफ्ट द कंट्री एंड आफ्टर दैट सम पॉलिटिकल पार्टीज दे फॉर्म द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड दिस न्यूली डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि इस गवर्नमेंट को क्या नाम दिया गया, वाइमर और वीमर रिपब्लिक. वीमर रिपब्लिक क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लेस का नाम वीमर, और रिपब्लिक क्यों कहते हैं, बिकॉज हेड ऑफ द कंट्री वॉज इलेक्टेड टेम्पररी. अब सो मेनी प्रॉब्लम्स दिस न्यू गवर्नमेंट, न्यूली गवर्नमेंट दे हैड टू फेस. अब हमने उन प्रॉब्लम्स को बताना है, ठीक है. तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, कंडीशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है. आपने हेडिंग्स लिखकर उनको आगे एक्सप्लेन करना है, मेन हेडिंग. उसके बाद हमेशा जब भी आप आंसर लिखोगे आप उसके हेडिंग्स और उनको एक्सप्लेन करोगे. तो फर्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय वाइमर रिपब्लिक वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कंडीशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इसमें आपने सबसे पहले ईयर बताना है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फॉट बिटवीन, टाइम पीरियड. उसके बाद कंट्रीज बतानी है कि कौन कौन सी कंट्रीज थी, एक तरफ थी अलाइज और दूसरी तरफ क्या थी, सेंट्रल पावर्स. सेंट्रल पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, ये आपने कंट्रीज बतानी है, ठीक है, जो सेंट्रल कंट्रीज. दीज वर डिफीटेड बाय अलाइज, ठीक है. देन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन जर्मनी गॉट डिफीटेड, काइजर विलियम सेकेंड, ही वॉज द किंग ऑफ जर्मनी एट दैट टाइम, ही लेफ्ट द कंट्री एंड आफ्टर दैट इलेक्शंस वर कंडक्टेड. Newly formed government Weimar Republic was formed. Clear? But the country, Germany country, that faced so many difficulties. आपने वो बताना है कि जब वॉर होती है तो दो मेन सेक्टर सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर. ड्यू टू बिजी इन वॉर, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज टोटली निग्लेक्टेड. तो जब वाइमर रिपब्लिक नई गवर्नमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी, देन दे फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर. अनएम्प्लॉयमेंट वॉज देयर, पावर्टी वॉज देयर, प्राइसेस वर वेरी हाई, जो लोग, और एंड ये हम कह सकते हैं कि पीपल दे वर नॉट एबल टू स्पेंड देयर लाइफ नॉर्मली, क्योंकि इतने साल वर्ल्ड वॉर के बाद जब कंट्री फिर से अपनी सेम पोजीशन पे आई, देन पीपल दे वर नॉट एबल टू लिव प्रॉपरली. एंड वीमर रिपब्लिक दे हैड लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इनके पास बहुत कम फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, तो वो कंट्री को डेवलप कैसे कर. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन बतानी है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, बॉम्बार्डमेंट हुई थी, बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उन सभी को रिकंस्ट्रक्ट करना था, रिकंस्ट्रक्शन. तो ये सारी शॉर्ट में आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट बताना है कि जर्मनी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा. और ये मेन प्रॉब्लम वाइमर रिपब्लिक के सामने थी कि जर्मनी को रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया जाए. क्लियर? देन सेकंड मेन प्रॉब्लम जो थी वो क्या आई, पीस ट्रीटी ऑफ वर्साय.
पीस ट्रीटी ऑफ वर्साय में आपने कंडीशंस बतानी है, हार्श एंड इंसल्टिंग ह्यूमिलिएटिंग कंडीशंस वर इम्पोज्ड ऑन जर्मनी। पीस ट्रीटी क्यों, पीस ट्रीटी क्यों कहते हैं, क्योंकि वॉर को रोकने के लिए कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था, इसको कहा जाता है पीस ट्रीटी वर्साय। क्यों, क्योंकि ये फ्रांस में हुआ था, पैलेस ऑफ वर्साय, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के डेलीगेट्स को बुलाया गया, दे साइन द पीस ट्रीटी, और साइन करने के बाद उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, और इन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने के लिए जो टर्म्स थी, दीज टर्म्स वर वेरी हार्श, इसलिए इसको हार्श ह्यूमिलिएटिंग, ठीक है, या ट्रीटी भी कहते हैं, या इंसल्टिंग ट्रीटी भी कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जर्मनी को बहुत लॉस हुआ। तो अब हमें सिर्फ जर्मनी का लॉस इसमें बताना है कि जर्मनी को क्या क्या लॉस हुआ। आपने प्रॉपर परसेंटेज बतानी है, 13% टेरिटरीज, टेरिटरी का मतलब होता है एरिया, पूरी जर्मनी का 13% एरिया और 13% टेरिटरीज वर टेकन बाय विनर कंट्रीज, फ्रांस, पोलैंड, जो भी उस टाइम पर में विनर कंट्रीज थी, दीज टेरिटरीज वर टेकन बाय विनर कंट्रीज। विनर कंट्रीज में कोई भी दो कंट्री का एग्जाम्पल दे दो, फ्रांस बता दो, पोलैंड बता दो, डेनमार्क बता दो, कोई भी कंट्रीज बता दो, यानी कि जो अलाइज के अलावा और भी जो उनको सपोर्ट कर रही थी कंट्रीज, है ना, कोई भी दो कंट्रीज बता सकते। देन 75% आपने बताना है आयरन एरियाज, आयरन एरियाज मीन्स आयरन माइंस, दीज आयरन माइंस वर कंट्रोल्ड बाय विनर कंट्रीज, यानी कि ये माइंस थी तो जर्मनी में, लेकिन उनसे आयरन एक्सट्रैक्ट करने का राइट जो था वो विनर कंट्रीज के पास, ठीक है। देन 26% कोल डिपॉजिट्स, जर्मनी के 26% पूरी माइंस का 26% कोल एक्सट्रैक्शन करने का राइट विनर कंट्रीज को दे दिया गया, और इस तरह से जर्मनी के लिए एक मेजर लॉस था, ठीक है। तो अलाइड जो पावर्स थी, जो जीती हुई कंट्रीज थी, उन्होंने जर्मनी को क्या कर दिया, डीमिलिट्राइज का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्जर्स को कम कर देना, वेपन्स को कम कर देना, ताकि जर्मनी इन फ्यूचर इन अलाइड के साथ फिर से वॉर प्लान ना कर सके, ठीक है। देन इसके अलावा, ये तो कुछ भी नहीं था, इसके अलावा आपने पूरा डिटेल में बताना है, बिकॉज ये बच्चे सेपरेट क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, ठीक है, आपने पूरा डिटेल में बताना है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने बताना है 6 बिलियन कंपनसेशन वॉज इम्पोज ऑन जर्मनी, यानी कि जर्मनी के ऊपर 6 बिलियन जो है वो कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब होता है वॉर का जो भी खर्च है उसका कुछ परसेंट जर्मनी पे करेगा, जो भी खर्चा हुआ, जो भी डिस्ट्रक्शन हुई, 6 बिलियन कंपनसेशन वॉज इम्पोज ऑन जर्मनी। देन जर्मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था राइनलैंड, जैसे अगर हम बात करें कि बॉम्बे हाई, मुंबई हाई जो इंडिया का है सपोज, ऐसे ही जर्मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था राइनलैंड। राइनलैंड वॉज ऑल्सो टेकन बाय विनर ग्रुप, ठीक है, ये भी विनर कंट्रीज ने ले लिया, ठीक है। तो ये हमने इसमें बताना है कि ये जो प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम के कारण सबसे ज्यादा बर्डन जो है वो किन पे आया, विमर रिपब्लिक, बिकॉज उन्होंने इस ट्रीटी के ऊपर साइन किया, जब वो साइन करके वापस आए तो जर्मनी के लोगों ने इनको हेट किया, क्योंकि जर्मनी के लोगों को ये लगता था कि विमर रिपब्लिक उनके सामने झुक गई, ठीक है, और उनको ये लगता था कि जर्मनी की इंटरनेशनल लेवल पे एक तो वैसे ही हारी हुई कंट्री, और ऊपर से इकोनॉमिक लॉस, इतना इकोनॉमिक लॉस जो है, लोगों को ये लग रहा था कि इसका बर्डन जो है वो लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि अब उनको टैक्स ज्यादा पे करने पड़ेंगे। दिस वाज़ द मेन पॉइंट व्हाई पीपल ऑफ जर्मनी दे वर नॉट लाइकिंग डेमोक्रेटिक वाइमर रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्लियर। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। जब भी हम लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पीस ट्रीटी ऑफ वर्साय, उसमें आपने पॉइंट शॉर्ट में लिखने हैं, लेकिन अगर ये अलग से डिटेल से क्वेश्चन आता तो आपने ये सारा पॉइंट्स डिटेल में बताया, ठीक है। देन क्योंकि हमने पूरा टाइम पीरियड कवर करना है ना, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिर आगे क्या हुआ, विमर रिपब्लिक को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, और एंड में हिटलर फिर कंट्री लाइमलाइट में कैसे आया, तो हमने सारे ईयर्स को कवर करना है। इसके बाद फिर हम आगे कवर करेंगे इकोनॉमिक,
क्राइसिस 1923, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म हो जाने के बाद पीस ट्रीटी साइन की, पीस ट्रीटी साइन करने के बाद वीमर रिपब्लिक जो थी वो कंपनसेशन पे करने में बिजी हो गई, कंट्री में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाई क्योंकि ऑलरेडी कंट्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लॉस हुआ था, ऊपर से कंपनसेशन पे करना पड़ा, ऊपर से जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज थे दीज एरियाज वर टेकन बाय द विनर कंट्रीज, तो लॉस वॉज एट लार्ज स्केल एंड दिस लीड टू इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी इन 1923. अब हमने इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था. ड्यू टू पीस ट्रीटी ऑफ वर्साए जर्मनी फेस्ड ग्रेट लॉस इन इकोनॉमिक सेक्टर. ठीक है, सबसे पहले हमने बताना है कि ट्रीटी ऑफ वर्साए साइन करने के बाद जर्मन वीमर रिपब्लिक दे फेस्ड ग्रेट लॉस इन इकोनॉमिक सेक्टर बिकॉज इनकम वॉज नॉट जनरेटिंग, इनकम नहीं आ रही थी, और जो इनकम हो भी रही थी दैट वॉज गिवन टू कंपनसेशन, दैट वॉज गिवन इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन टू विनर कंट्रीज. ऐसे में 1923 एक वर्स्ट ईयर जो था वो था जिसमें वीमर रिपब्लिक दे सरेंडर, सरेंडर का मतलब होता है हैंड्स अप कर देना, कि नाउ दे रिफ्यूज टू पे कंपनसेशन, उन्होंने कंपनसेशन देने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने ये कहा कि उनके पास मनी नहीं है, वो मनी कहाँ से देंगे, कंपनसेशन कहाँ से पे करेंगे. तो आपको पता है विनर कंट्रीज ने क्या किया, फ्रांस, फ्रांस ने जर्मनी का एक इंपॉर्टेंट एरिया राइनलैंड तो ऑलरेडी ले लिया था, एक और एरिया लिया रूड, RUHR रूर, ये भी एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एरिया था रूर, कोल माइंस, यहाँ पे बहुत कोल माइंस थी, तो ये एरिया भी ले लिया, ये एरिया भी ले लिया, राइनलैंड पहले ही ले लिया था. उसके बाद 1923 में कंपनसेशन जब जर्मनी नहीं पे कर पाई तो रूर एक इंपॉर्टेंट कोल माइन एरिया था दैट वॉज टेकन बाय फ्रांस और विनर कंट्रीज. इन द कमिंग ईयर यानी कि क्राइसिस के टाइम पीरियड में करेंसी जो जर्मनी की करेंसी थी उस टाइम पीरियड में जर्मनी की करेंसी क्या थी, मार्क, उसकी वैल्यू डाउन हो गई. वैल्यू डाउन होने से क्या होता है कि जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, सपोज उस टाइम पीरियड में अगर मार्क को डॉलर से कन्वर्ट करते होंगे तो कितने सारे मार्क देते होंगे तब जाकर एक डॉलर लेते होंगे, और इसलिए उस टाइम पीरियड में जर्मनी की इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी की वैल्यू मार्क जो है वो और ज्यादा डाउन हुई. डाउन होने से क्या हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में जर्मनी की जो वैल्यू थी या जर्मनी की जो एक इम्पॉर्टेंट जो भी थी वो इम्पोर्टेंस खत्म हुई. ठीक है, और धीरे धीरे कंट्री में इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आई, प्राइस वैल्यू गिरती जा रही थी लेकिन प्राइजेस चीजों के रेट बढ़ते जा रहे थे. ठीक है, वैल्यू करेंसी की वैल्यू गिर रही थी लेकिन रेट बढ़ रहे थे. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो थी वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम और ज्यादा वर्स्ट हो गई एंड वीमर रिपब्लिक वॉज नॉट एबल टू हैंडल दिस वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन और दिस लीड टू, ये कंडीशन आगे जाकर क्या बन गई, हाइपर इन्फ्लेशन. हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन पता क्या होता है, इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब होता है राइज इन प्राइसेस. जैसे आपने सुना होगा कि पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए, 1 लीटर इज इक्वल टू 100 रुपीज, तो आगे से आगे अगर हर रोज ऐसे ही बढ़ता जाएगा, हर रोज 1 वीक के बाद ऐसे ही अगर रेट बढ़ता जाएगा, एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़ते जा रहे हैं, ये तो हो गया इन्फ्लेशन. लेकिन हाइपर का मतलब होता है स्पीड, प्राइसेस और बढ़ गए, 2 दिन के बाद फिर से बढ़ गए, फिर 2 दिन के बाद फिर से बढ़ गए, फिर 2 दिन के बाद फिर से बढ़ गए, तो ऐसे क्या होता है कंट्री में वैल्यू कम होती जा रही है, करेंसी जो है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, चीजों के रेट बढ़ रहे हैं. और अगर चीजों के रेट बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है पहले जिस चीज को खरीदने के लिए हमें कम मार्क देने पड़ते थे अब उसी चीज को खरीदने के लिए हमें ज्यादा करेंसी देनी पड़ेगी. और आपको पता है उस टाइम पीरियड में वैल्यू इतनी ज्यादा डाउन हो गई कि लोग एक ब्रेड खरीदने के लिए भी कितनी ज्यादा करेंसी लेकर जाते थे. इसका मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट में मार्क की वैल्यू सबसे ज्यादा डाउन हुई. तो कंट्री अब क्या करती, इकोनॉमिक कंडीशन जो थी कंट्री की इतनी पुअर हो चुकी थी तो अल्टीमेटली फिर उस टाइम पीरियड में जर्मनी को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन लेना पड़ा. यही होता है ना,
जब अगर कोई फैमिली मुसीबत में होती है, उसके पास मनी नहीं होता, उनके पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जो भी एक्सपेंडिचर करना है, तो या तो उनको बैंक से या मनी लेंडर्स या फैमिलीज या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स से लोन लेना पड़ता है, और लोन लेते हैं विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऐसे ही उस टाइम पीरियड में 1923 के बाद जर्मनी टुक लोन फ्रॉम यूएसए। ठीक है, और ये जो लोन था इसको जो है उस टाइम पीरियड में यूएसए में डॉब्स, जो डॉब्स मिनिस्टर थे, ठीक है, उन्होंने जर्मनी को कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे लोन जो है वो प्रोवाइड किए। इसको इसीलिए इसको कहते हैं डॉब्स प्लान। डॉब्स प्लान के अंडर जर्मनी को लोन दिया गया विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इस तरह से जर्मनी 1923 के बाद कुछ टाइम तक हम ये कह सकते हैं कि फिर से प्रॉब्लम जो है वाइमर रिपब्लिक ने प्रॉब्लम को रिमूव करने की कोशिश की, बट ऐसा नहीं हुआ, कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हो गई। ठीक है, फर्स्ट यहां तक हमने किया, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर हमने किया पीस ट्रीटी ऑफ वर्साय, फिर हमने किया इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस अगर डिटेल में है तो आपने सारा बताना है, लेकिन अगर शॉर्ट में तो फिर जस्ट आप कंडीशन बताओगे कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो थे जर्मनी में उस टाइम पीरियड में कंट्री की कंडीशन क्या थी। ठीक है, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस 1923 के बाद नेक्स्ट फोर्थ जो पॉइंट है इसमें हमने बताना है 1929 डिप्रेशन इन यूएसए एंड जर्मनी। 1923 के बाद इंपॉर्टेंट ईयर 1929 डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन स्टार्ट कहां से हुआ, यूएसए से, और इसका इफेक्ट जर्मनी पे क्या पड़ा वो हमने इसमें पढ़ना, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ वाइमर रिपब्लिक की। इकोनॉमिक क्राइसिस में जब यूएसए ने जर्मनी को लोन दिया हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आगे जाकर 1929 में प्रॉब्लम क्यों हुई। 1929 में इंटरनेशनल मार्केट में हम ये कह सकते हैं कि पूरी अलग अलग वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में प्रॉब्लम्स हो रही थी। ठीक है, प्रॉब्लम इसका मेन प्रॉब्लम की जो है वो रूट कॉज क्या था, प्राइसेस, प्रोडक्शन, वर्ल्ड में सभी कंट्रीज जो थी वो एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम कर रही थी, बिजनेस कम कर रही थी, क्योंकि उनके पास इतनी मनी नहीं थी। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करती है तो इंटरनेशनल जो बिजनेस है वो नहीं होता, इकोनॉमिक एक्सचेंज नहीं होता। एंड आपको पता है उस टाइम पर में सबसे रिच कंट्री कौन सी मानी जाती थी, यूएसए, क्योंकि यूएसए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914, 1915 या 1916 या 1917 में यूएसए ने एंट्री नहीं की थी। यूएसए ने तो बाद में सबसे लास्ट में एंट्री की। पूरा वर्ल्ड जिस टाइम पर में वर्ल्ड वॉर में बिजी था, तो यूएसए उस टाइम पर में अपनी अपनी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन कर रहे थे वर्ल्ड के लिए। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए की फैक्ट्रीज में जितनी भी चीजें थी, या ग्रेन था या जो भी था, वो उस लेवल तक नहीं बेच पाए जिनकी इनको होप थी। आप ये देखो कि एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में पूरा वर्ल्ड जो है वो वॉर लड़ रहा है, और एक कंट्री लगातार अपनी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ाती जा रही है। उनको ये होप है कि इन फ्यूचर जब वॉर खत्म होगी तब ये अपनी गुड्स जो है वो इन कंट्रीज को बेचेंगे और हाई प्राइजेस अर्न करेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यूएसए ने ये नहीं सोचा कि वो प्रोडक्शन तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन कंट्रीज के पास मनी कहां से आएगी इनको खरीदने के लिए, क्योंकि वॉर टाइम पीरियड में कंट्रीज इतनी ज्यादा जो है वो बिजी हो गई थी, इतनी ज्यादा खर्च हो गया था कि उनके पास आगे जाकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए मनी नहीं था। तो इस टाइम पीरियड में यूएसए को लॉस हुआ, और ये प्रोडक्शन का जो लॉस था वो आगे से जाके इतना ज्यादा लॉस जो है वो हाई हो गया कि 1929 एक इंपॉर्टेंट ईयर माना जाता है जिसमें यूएसए में शेयर मार्केट कोलैप्स हो गई, और यूएसए का सबसे बड़ा शेयर मार्केट जो मेन बिजनेस है उसको कहा जाता है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, क्रैश हो गया। क्रैश का मतलब क्या हो गया, लॉस। इन 1929 शेयर मार्केट, इनडायरेक्टली आप ये कह लो शेयर मार्केट डाउन हुई। शेयर मार्केट डाउन कैसे होती है,
जो लोग शेयर मार्केट में बिजनेस लगाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सपोज अगर कोई पर्सन जो है वो 100 शेयर्स खरीदता है, ठीक है, 100 शेयर्स खरीदे उसने, मे बी 6 मंथ्स के बाद उनके शेयर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उनकी मनी जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन मे बी अगर 6 मंथ्स के बाद शेयर वैल्यू डाउन हो जाती है तो उसकी मनी वैल्यू भी डाउन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक शेयर की बात करें, सपोज एक पर्सन है वो किसी कंपनी का शेयर खरीदता है, वो एक शेयर जो है उसने 200 रुपीज का खरीदा, लेकिन 6 मंथ्स के बाद शायद उस फैक्ट्री को लॉस हो गया और उस फैक्ट्री ने क्या किया, वो शेयर प्राइस रिड्यूस कर दिया, अब उसका प्राइस सिर्फ 50 रुपीज रह गया, तो अब उस पर्सन के उसको पर्सन को लॉस कितना हुआ, 150 रुपीज का। शेयर मार्केट जो है वो उसमें लोग बिजनेस बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट भी अर्न करते हैं और लॉस भी होता है, ठीक है। और इसी तरह से यूएसए में शेयर मार्केट डाउन हो गई, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश। इसका मतलब है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है, जैसे बॉम्बे का बॉम्बे, हमारे इंडिया का सबसे बिगेस्ट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, बॉम्बे, ठीक है। जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं वो न्यूज़पेपर में या टेलीविजन में या डिफरेंट मोबाइल ऐप्स होते हैं जिसमें शेयर की इंफॉर्मेशन को मिलती रहती है, किसका रेट बढ़ रहा है, किसका कम हो रहा है। जिसका कम हो रहा है लोग उसको खरीद लेते हैं इन फ्यूचर की अगर उसका रेट बढ़ेगा, जिसका बढ़ रहा है तो लोग उसको सेल कर देते हैं ताकि उनको फायदा हो। सपोज मेरे पास शेयर है, ठीक है, कंपनी का रेट बढ़ गया तो मैं उसको मार्केट में बेच दूंगी तो मुझे मार्जिन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर शेयर डाउन हो गया तो मैं उसको अभी नहीं बेचूंगी क्योंकि मुझे पैसा ही नहीं मिलेगा, मैं उसको इन फ्यूचर बेचूंगी। तो लोग अपना जो है, हर पर्सन अपना अलग रिस्क लेता है शेयर मार्केट में डील करने। यूएसए में ऐसा ही हुआ, यूएसए में शेयर मार्केट डाउन हो गई जिसके कारण यूएसए की फैक्ट्रीज को लॉस हो गया और बैंकिंग सिस्टम, सबसे ज्यादा लॉस किसको हुआ, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम को लॉस हुआ। तो यूएसए ने जितनी भी कंट्रीज को लोन दिया हुआ उन कंट्रीज को डेडलाइन दे दी और इस तरह से सभी कंट्रीज ने यूएसए को फिर लोन जो उनसे लिए हुए थे वो वापस करने पड़े। इसका इम्पैक्ट जर्मनी पे क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि जर्मनी आल्सो टुक लोन फ्रॉम यूएसए, बट व्हेन ड्यू टू 1929 डिप्रेशन देन जर्मनी हैड टू रीपे ऑल द लोन विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट जो थी वो भी यूएसए को वापस करनी। और इस तरह से यूएसए की नेशनल इनकम तो कम हुई बल्कि जर्मनी की भी इनकम जो है वो आगे से आगे कम हो गई क्योंकि जर्मनी को अब लार्ज स्केल पे यूएसए से जो लोन्स लिए हुए थे वो वापस करने। एंड फाइनली अल्टीमेटली जर्मनी की कंडीशन इतनी ज्यादा वर्स्ट हो गई कि 1932 एक ऐसा ईयर था जिसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो थी शट डाउन का मतलब उनको बंद करना पड़ा, फैक्ट्रीज वर शट डाउन, और जब फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकल लोगों को क्या नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट, पीपल दे बिकेम पुअर अनएम्प्लॉयड एंड दे टुक क्रिमिनल एक्टिविटीज। और ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में पीपल दे फेल्ट देमसेल्व इनसिक्योर इन द कंट्री, उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसी भी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, और ये एक ऐसा टाइम था जिसमें लोगों का रैंक रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि जो हाईली क्वालिफाइड लोग थे उनको भी काम नहीं मिल रहा था बिकॉज जर्मनी वॉज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी, ठीक है। और ये एक ऐसी कंडीशन बन गई, एक ऐसी मेंटल स्टेट बन गई कि जो लोग हाई रैंक के थे उनको भी काम नहीं मिल रहा था। इसको कहते हैं प्रोलीटेरियनाइजेशन। ठीक है, इसमें कहते हैं प्रोलीटेरियनाइजेशन का मतलब होता है जब आपका रैंक रिड्यूस हो जाता है, रैंक लो हो जाता है। जस्ट एग्जांपल दे रही हूं, सपोज एक इंजीनियर है उसको काम नहीं मिल रहा, तो अब उसको अगर काम नहीं मिल रहा है तो अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए वो वर्कर भी बनने को तैयार है, ठीक है, वो सिक्योरिटी गार्ड भी बनने को तैयार है। रैंक, एक डॉक्टर है अगर उसको काम नहीं मिल रहा तो वो भी सिक्योरिटी गार्ड लेबर का काम करने को तैयार है क्योंकि उस टाइम पीरियड में वैल्यू डाउन हो गई और कंट्री की कंडीशन बहुत वर्स्ट। तो ये था डिप्रेशन, कंट्री में डिप्रेशन की कंडीशन, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड ट्रीटी ऑफ वर्साय, थर्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, फोर्थ डिप्रेशन, ठीक है, फिफ्थ डिफेक्ट
ऑफ वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने बताना है कि जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें एक डिफेक्ट था, आर्टिकल 48, यानी कि इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने इस आर्टिकल को बहुत मिसयूज किया। ठीक है, एक तो वैसे ही ये जो गवर्नमेंट थी वो कोलिजन गवर्नमेंट थी। कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब होता है जब किसी एक पार्टी को वोट नहीं मिलता, तो सो मेनी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन हैंड्स एंड फॉर्म कोलिजन गवर्नमेंट। और जब कोलिजन गवर्नमेंट होती है ना, वो हमेशा अनस्टेबल ही होती है। अनस्टेबल क्यों? दे कीप ऑन क्लैशिंग। उनके बीच में कभी भी कोई एक मेजोरिटी रूल जो है या पास अथॉरिटी या मेजोरिटी लॉ जो है वो पास नहीं होती। और दूसरा, इस आर्टिकल को बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया बाय इम्पोजिंग एमरजेंसी। कंट्री में बार बार एमरजेंसी लगा दी जाती थी, एमरजेंसी लगा दी जाती थी, और लोगों के सिविल राइट्स, जो लोगों के राइट्स थे, दीज वर सस्पेंडेड। तो लोगों को लग रहा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो कुछ खास नहीं कर रही है, तो ऑलरेडी एमरजेंसी लगा दी जा रही है, और लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स, लोगों को जो सिविल राइट्स थे वो बार बार सस्पेंड किए जा रहे थे। और ऊपर से सिस्टम क्या था, कंट्री का जो सिस्टम था वो क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है इट वॉज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म द मेजोरिटी ऑफ एनी सिंगल पार्टी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि कोलिजन गवर्नमेंट वॉज देयर एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म द एनी गवर्नमेंट बाय वन सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का गवर्नमेंट बनाना जो है वो मुश्किल था। एंड दैट्स वाई मैनी पार्टीज ज्वाइन हैंड्स एंड दे फॉर्म गवर्नमेंट। दिस वॉज अनस्टेबल एंड दिस वॉज कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है एक मिली जुली गवर्नमेंट बनना। तो इसलिए पीपल दे लॉस्ट कॉन्फिडेंस। लोगों का जो कॉन्फिडेंस था वो खत्म हो गया था, लोगों का फेथ खत्म हो गया था, और लोगों को पार्लियामेंट, उस टाइम पर पार्लियामेंट जो थी, पार्लियामेंट का नाम क्या था, राइक्सडैग। व्हाट वाज द नेम ऑफ पार्लियामेंट, राइक्सडैग, ये याद रखना है आपने। लोगों का पार्लियामेंट से फेथ खत्म हो गया, क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर्स बार बार चेंज हो रहे थे, चेंज ऑफ मेंबर्स एवरी टाइम। कितनी बार चेंज हो चुका था, कैबिनेट मीटिंग चेंज हो जाती थी, कैबिनेट मिनिस्टर चेंज हो जाते थे। तो अल्टीमेटली कोई एक पर्सन नहीं था जो उस पर, जो उस एरिया की, जो उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से डिफेक्ट्स थे। नंबर वन, आर्टिकल 48, इस आर्टिकल 48 को इतना लिबरल यूज किया गया, एमरजेंसी वॉज इम्पोज मैनी टाइम्स इन द कंट्री। सेकेंड, सिविल राइट्स वर सस्पेंडेड मैनी टाइम्स, कितनी बार सिविल राइट्स को सस्पेंड किया गया। थर्ड, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वॉज इन द कंट्री, अकॉर्डिंग टू दिस इट वॉज नॉट यू कैन से पॉसिबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट बाय एनी वन पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज कोलिजन गवर्नमेंट वॉज देयर। एंड पार्लियामेंट, कंट्री की पार्लियामेंट का नाम क्या था, जैसे रशिया की पार्लियामेंट का नाम था ड्यूमा, जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम क्या था, राइक्सटैग। राइक्सटैग के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे दे चेंज मैनी टाइम्स, कितनी बार वो चेंज हुए, और इतने चेंज हो जाने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बहुत कम हो। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स, और साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि जर्मनी के ऊपर क्या लगा, वॉर गिल्ट क्लॉज। वॉर गिल्ट क्लॉज का मतलब क्या होता है, कि पूरी वॉर का जो भी खर्च है, बिलियन, 6 बिलियन कॉम्पनसेशन जो है, दैट वॉज इम्पोज ऑन वीमर रिपब्लिक। और इसीलिए वीमर रिपब्लिक को क्या कहा गया, नवंबर क्रिमिनल, इनको नवंबर क्रिमिनल कहा गया, क्योंकि उन्होंने नवंबर के मंथ में ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स को साइन किया। क्लियर? सो
आई हैव डिस्कस टूडे ऑल द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय विमर रिपब्लिक. अब हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आपका जो पीरियड होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ हिटलर राइज इन दिस कंडीशन. इस कंडीशन में हिटलर ने कैसे लोगों के साथ अपना फेथ बनाया, लोगों के साथ कैसे प्रॉमिसेस किए एंड ही वन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स. जिस जो पार्टी कोलिजन फॉर्म ऑफ पार्टी थी कैसे उसने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया और डेमोक्रेसी की जगह क्या एस्टेब्लिश की, डिक्टेटरशिप. क्लियर?